गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम डिलीवरिंग योर लेसन वन द क्रैंकी मैको। सबसे पहले बेटे मैं आपको क्रैंकी मैको का मीनिंग बताती हूँ। क्रैंकी का मीनिंग होता है अजीब एंड मैको एक अमेरिकन पैरट होता है। ठीक है बेटा, सो लेट्स स्टार्ट। टेक इंटरेस्ट, लिसन वेरी केयरफुली। मैनी डिफरेंट एनिमल्स, बर्ड्स एंड इवन रेप्टाइल्स आर कैप्ट एज पैट्स। बहुत सारे अलग अलग तरह के एनिमल्स हैं, पक्षी हैं, रेप्टाइल्स मतलब जो रेंगने वाले होते हैं, इनको हम अक्सर पेट की तरह रखते हैं, पालतू बनाकर रखते हैं। डॉग्स आर कैप्ट पॉपुलर पेट्स एज दे आर फ्रेंडली एंड आर गुड कंपनी। डॉग्स जो हैं उनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं क्योंकि वो एक फ्रेंडली बिहेवियर रखते हैं, अच्छी कंपनी होती है उनकी, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, ख़ास तौर से बच्चों के लिए। Some people have cats as pets. कुछ लोग बिल्ली को भी रखते हैं because cats are very independent. ठीक है, वो बहुत independent होती हैं। Parakeets can be trained to talk. अब parakeets क्या होता है, एक लंबी पूँछ वाला तोता होता है जिसका साइज छोटा होता है लेकिन पूँछ जो है वो लंबी होती है। In olden days, sailors and pirates who spent a lot of time on the sea used to keep parakeets as pets. जो सेलर्स होते हैं, सेलर्स मतलब जो समुद्र में काम करते हैं, नाव लेकर जाते हैं, और पिरेट्स होते हैं जो लूटपाट करते हैं। ठीक है, तो वो लोग इस parakeets को एज अ पेट्स रखते हैं और बहुत लंबे समय तक उन्होंने समुद्र में रखा है इसको। समुद्र में रखा का मीनिंग है बेटा कि वो लोग समुद्र में जब काम करने जाते हैं तो उन्हें अपने एज अ पेट्स रखते हैं। किसे रखते हैं? parakeets को। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ सेलर एंड हिज पेट अ मैको। ये जो कहानी मैं आप शुरू करने जा रही हूँ बेटा, ये एक सेलर की कहानी है जिसने मैको को एज अ पेट रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कहानी के मेन करेक्टर बता देती हूँ। इसमें मेन करेक्टर है जॉनी जी, ठीक है, जो एक सेलर है, सेलर होते हैं नाविक। दूसरा है मैको, एक पैरट होता है। तीसरा है बेटा मिकी, जो जॉनी की सिस्टर है। ठीक है बेटा, अब हम कहानी शुरू करते हैं। ओल्ड सेलर जॉनी जे लव्ड द सी। जो सेलर है जॉनी जे, वो समुद्र को बहुत पसंद करता है, समुद्र से बहुत प्यार करता है। फ्रॉम द ईयर ही टर्न्ड 12, जब वो 12 साल से वो ये काम कर रहा है, समुद्र के पास ही रह रहा है। ही स्टार्टेड सेलिंग, जब उसने सेलिंग स्टार्ट की, सेलिंग का मतलब होता है नाव चलाना। सिंस देन इट हैज़ बीन 66 ईयर्स, जब वो 66 साल का हो चुका है। ही हैज़ सेल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड, वो लगभग पूरे संसार को सेल मतलब समुद्री रास्ते से पार कर चुका है। He has seen many countries, वो बहुत सारे देशों को भी देख चुका है। But the sea was his home, लेकिन जो समुद्र है वो उसके लिए उसका घर है। He didn't like to live on the land for a long period of time, वो ज़्यादा लंबे समय के लिए धरती पर रहना पसंद नहीं करता है। He had a small cabin on an island of Gunana, देखो गुनाना है जो बच्चे, वो एक आइलैंड का नेम है जो कैरिबियन में है। कैरिबियन में एक आइलैंड है जिसका नाम गुनाना है। ठीक है बेटा, तो वहाँ उसने एक केबिन बनाकर रहता है। वेयर ही चूज टू स्टे इंस्टेड विद हिज फैमिली, जहाँ वो अपनी फैमिली के साथ रहता है। विच लिव्ड ऑन अ नियर बाय आइलैंड, ही हैड अ स्मॉल केबिन ऑन एन आइलैंड ऑफ गुनाना। वेयर ही चूज टू स्टे, देखो बेटा उसने एक स्मॉल केबिन बना रखा है, एक रूम सा बना रखा है गुनाना के आइलैंड में। अब गुनाना का जो आइलैंड है बेटा वो कैरिबियन में है, जहाँ वो अपने परिवार के अलावा रहता है और उसकी फैमिली कहाँ रहती है, विच लिव्ड ऑन अ नियर बाय आइलैंड, जो पास में ही एक दूसरा आइलैंड है वहाँ। जॉनी जे हैड ओनली वन कॉन्स्टेंट फ्रेंड ओवर द ईयर, जॉनी जे का एक ही फ्रेंड है जो हमेशा उसके साथ रहता है, क्रेजी कूट एज ही वॉज नोन, जिसे वो क्रेजी कूट के नाम से जाना जाता है। स्पोक लाइक अ मैन, जो आदमियों की तरह बात करता है।
बट विद अ वेरी ऑड श्रीकिंग टोन, लेकिन जब वो बोलता है तो उसकी जो आवाज़ है वो बहुत तीखी सी होती है, श्रीकिंग चिल्लाकर बोलता है। क्रेजी कूद एंड जॉनी जे बोथ लव द सी, क्रेजी कूद और जॉनी जे दोनों को समुद्र से बहुत प्यार है। एंड लाइक ऑल सेलर्स एंजॉय देयर ओन कंपनी, दोनों एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय करते थे। मीटिंग पीपल ऑलवेज मेड देम क्रैंकी, और लोगों से मिलना उनको क्रैंकी बना देता था, अजीब हो जाते थे वो। बट वॉट मेड क्रेजी कूट रियली स्पेशल वॉज दैट ही वॉज अ मैको, लेकिन क्या जो है, क्या चीज़ है जो क्रेजी कूट को रियली में स्पेशल बनाती थी, और वो ये थी कि वो एक मैको था, अ काइंड ऑफ साउथ अमेरिकन पैरट, कि साउथ अमेरिकन पैरट है, बस यही बात उसके लिए उसको अलग बनाती थी। हिज प्लूमेज एंड टेल फीदर्स वर स्कारलेट हिज इन कलर, द रंप ऑफ लाइट ब्लू एंड द अपर विंग्स ऑफ येलो। देखो ये जो है बेटा, जो मैं अब आपको बता रही हूँ, लाइन पढ़ रही हूँ, ये मैको का जो है बॉडी स्ट्रक्चर है। हिज प्लूमेज, प्लूमेज मीन्स उसके जो पंख हैं वो कवर्ड रहते हैं, एंड टेल फीदर्स वर स्कारलेट इन कलर, स्कारलेट रेड कलर को बोलते हैं, और उसके जो पूंछ है वो लाल कलर की होती है। रंप का मतलब है बैक साइड जो है वो उसका ब्लू होता है, एंड अपर विंग्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। मैकॉज आर वेरी इंटेलिजेंट एंड कैन बी टॉट टू स्पीक, ये बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, समझदार होते हैं, और पढ़ा भी सकते हैं, सिखा भी सकते हैं। क्रेजी कूट हैड अ बैड टेम्पर, क्रेजी कूट का जो स्वभाव है बेटा वो एग्रेसिव है, गुस्सा करने वाला है। एंड वैन इरीटेटेड, और जब वो इरीटेट हो जाता है, परेशान हो जाता है, ही वो शाउट, वो चिल्लाता है, ऑलमोस्ट लाइक ह्यूमंस, लगभग इंसानों की तरह। ही लव्ड वॉचिंग ओल्ड मूवीज़, उसे पुरानी मूवीज़ देखना बहुत पसंद है, विद जॉनी जे, जॉनी जे के साथ। एंड कुड इमिटेट साउंड्स और ऑफ गन फायर्स, इमिटेट होता है बेटा कॉपी करना, नकल करना, ठीक है। गन फायर होता है, गन फायर होता है गोलाबारी की आवाज़ें निकालना, ठीक है। तो वो इमिटेट करता, नकल करता है इन चीज़ों की। ही कुड ऑल्सो स्पीक सम डायलॉग फ्रॉम सम मूवीज़, और वो कुछ डायलॉग्स, ठीक है, जब मूवी देखते हैं तो डायलॉग्स होते हैं ना, तो उनकी भी कॉपी करता है। ही लव्ड टू विसल, उसे सीटी बजाना पसंद है। व्हेनेवर ही सॉ अ गर्ल और अ वुमन, जब भी वो किसी लड़की को देखता है या किसी औरत को देखता है। ही वुड विसल लाउडली एंड प्रिटेंड टू फेंट, वो तेज़ सीटी बजाकर ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो बेहोश है। ही ऑल्सो थ्रू हिज फेवरेट फूड, वो अपने फेवरेट फूड को, उसका फेवरेट फूड है सनफ्लावर सीड्स, सूरजमुखी के बीज, थ्रू आउट जॉनी जेज हाउस, पूरे जॉनी जे के घर में। एंड लव्ड टू हाइड बिहाइंड थिंग्स, वो उनसे प्यार करता है और चीज़ों के पीछे छुप जाता है। जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर अ स्मॉल मैच्ड पेयर, ये दोनों एक अच्छे मिले हुए जो हैं जोड़े की तरह रहते हैं, स्टबर्न एंड सॉलिटरी, ठीक है बेटा। जॉनी जेस ओल्डर सिस्टर, अब यहाँ पे जॉनी जे की जो सिस्टर है मिसी में, उसकी एंट्री होती है। वॉज नॉट फॉन्ड ऑफ द मैको, वो मैको को की शौकीन नहीं है, वो उसे पसंद नहीं करती है। शी वुड विजिट दैम वैन जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर स्टेइंग इन देयर होम, वो वहाँ जाना तब पसंद करती है जब दोनों वहाँ होते हैं, जॉनी जे एंड क्रेजी कूट वर स्टेइंग इन देयर होम, ठीक है, ऑन द आइलैंड ऑफ गुनाना, जब गुनाना के आइलैंड में दोनों होते हैं तब वो वहाँ जाना पसंद करती है। वैन एवर मिसी मे वॉज अराउंड क्रेजी कूट, जब भी वो वहाँ जाती है क्रेजी कूट किसे के पास, ही वुड स्क्रीच, स्क्रीच का मीनिंग है मेक अ लाउड हाई अनप्लेजेंट साउंड, तो वो कैसा साउंड निकालता है, अनप्लेजेंट सा, एट हर, उसके लिए, किसके लिए बेटा, मिकी, सॉरी मिसी मे के लिए। देन ही वुड मेक साउंड ऑफ पुलिस सायरन, और तब वो पुलिस सायरन की तरह आवाज़ निकालता है, एंड गन शॉट्स, एंड लाफ अलाउड, और ज़ोर ज़ोर से हंसता है। मिसी मे एज यू कैन इमेजिन वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद क्रेजी कूट,
आप इमेजिन कर सकते हो बेटा कि जो मिसी में है वो क्रेजी कोट को बिल्कुल भी लाइक नहीं करती है, उससे मिलकर खुश नहीं होती है। वन आफ्टरनून मिसी में केम टू विजिट जॉनी जे। एक दोपहर को मिसी में अपने भाई जॉनी जे से मिलने आती है। व्हेन शी डिडंट फाइंड हर ब्रदर, जब उसको अपना भाई नहीं मिलता है इन द हाउस अपने घर में, शी डिसाइडेड टू स्लीप इन द पार्लर। पार्लर का मीनिंग होता है बेटा गेस्ट रूम, ठीक है। तो वो तय करती है कि वो गेस्ट रूम में सो जाएगी फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए। शी इग्नोर्ड क्रेजी कूट, उसने क्रेजी कूट को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, जैसे उसको देखा ही नहीं है। व्हेन ही डिडंट गेट द अटेंशन डैट ही वॉन्टेड, क्रेजी कूट, अब क्रेजी कूट जो अटेंशन चाहता था वो उसको जब नहीं मिली तो उसने बड़बड़ाना शुरू किया, स्टार्टेड मटरिंग। मटरिंग होता है बड़बड़ाना। एंड देन हिड बिहाइंड सम बुक्स, और अपने आप को किताबों के पीछे छुपा लिया। आउट ऑफ नाउ हियर समवन शाउटेड, अभी यहाँ थोड़ी देर पहले एक चिल्लाने की आवाज़ आई, यू थीफ यू किल मी, तुम चोर हो, तुम मुझे मारना चाहते हो। लीव मी अलोन, मुझे अकेले छोड़ दो। आई कॉल पुलिस, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। यू गो टू जेल, तुम जेल जाओगे। इट वॉज फॉलोव्ड बाय द साउंड्स ऑफ पुलिस सायरन, ये पुलिस सायरन को फॉलो कर रही थी ये साउंड, एंड गन शॉट्स। सडनली टेरिफाइड, तभी अचानक डर के मारे, द थीफ स्टूड एज इफ ही हैड टर्न्ड इंटू स्टोन। तो अचानक ये आवाज़ सुनकर, पुलिस का सायरन और गन शॉट्स सुनकर, जो चोर आया था घर में घुसा था वो एक पत्थर की तरह बन गया। द थीफ जम्प्ड टू एस्केप, अब चोर जो है वो कूदने के लिए, बचने के लिए कूदने लगा। एंड एट द सेम टाइम, और उसी समय सिस्टर शॉट अप फ्रॉम द चेयर, और वो जो बहन थी उसकी जॉनी की, वो चेयर से खड़ी हो गई। सरप्राइज द थीफ ट्राइब्ड, ट्राइब मतलब स्टम्बल्ड एंड फेल, मतलब क्या हुआ, अचानक चोर जो है वो टकराया किसी चीज़ से और गिर गया। एंड स्ट्रक हिज हेड ऑन द टेबल, और उसका सिर जो है वो टेबल से टकराया और वो बेहोश हो गया। मिसी मे देन कॉल्ड द पुलिस हु अरेस्टेड द थीफ, मिसी मे ने द पुलिस को बुलाया जिसने उसको अरेस्ट कर लिया। फीलिंग एस्थेटिक एट बीइंग सेव्ड, अपने आप को ये महसूस करना कि वो सेफ है, वो खुश हुई। मिसी मे वेंट टू क्रेजी कूट, मिसी मे क्रेजी कूट के लिए के पास गई। टू पैट हिम, उसको थपथपाया, बट व्हाट डू यू थिंक, डिड द ऑलरेडी इरिटेटेड क्रेजी कूट डू, लेकिन क्या लगता है आपको कि पहले से ही जो इरिटेट था, परेशान था क्रेजी कूट, वो अब ऐसा करेगा। क्रेजी कूट सैड, उसने कहा, यू थीफ यू किल मी, तुम चोर हो, तुमने मुझे मारा। लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो। आई कॉल पुलिस, यू गो टू जेल। आ, उसने साउंड निकाला बेटा आ का। द पुलिस फ्रोज व्हेन दे हर्ड क्रेजी कूट एंड देन बर्स्ट आउट लाफिंग, पुलिस जो है वो आकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी हो गई जब उसने सुना कि क्रेजी कूट जो है वो, उसने ऐसे आवाज़ें निकाली, ठीक है। जब क्रेजी कूट को उन्होंने सुना, किसने सुना, पुलिस ने सुना, ठीक है। एंड देन बर्स्ट आउट लाफिंग, और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसे। दे अंडरस्टूड हाउ मिसी मे वॉज एबल टू एस्केप अनहर्ड, वो समझ गए कि किस तरीके से जो मिसी मे है वो बिना चोट लगे कैसे बच गई। सो बेटा आई थिंक आपको स्टोरी समझ में आ गई होगी। एंजॉय द स्टोरी।